अग्निवीर योजना, इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे। सर देखा आपने, ये भ्रम की स्थिति नहीं है, किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए ये स्थिति ऐसी है कि सुनते ही एक अब हमको मन में ये समस्या खड़ी हो जाती है कि कोई ऐसा बोल कैसे सकता है। एक नहीं, करोड़ों युवाओं के सपने, सेना में ज्यादा जाना चाहता था। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले सर्विस होती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी देखभाल करती थी, अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना, इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो, रोजगार मिले ना मिले, मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल मिलेंगे, 4 साल के बाद आपको एक मिनट नहीं मिलने वाला। तो कहता है कि मैं इस देश को अपनी जिंदगी देना चाहता हूं, देश के लिए मैं गोली खाना चाहता हूं, क्या अग्निवीर योजना उसका अपमान नहीं है कि आपने उसे कहा हां गोली खाना चाहते हो, हां ठीक है गोली खाओ, मगर हम तुम्हें सिर्फ 4 साल देंगे, 5वां साल नहीं देंगे। 4 साल सेवा करने के बाद बॉर्डर पे ठंड में सियाचिन में समाज में वापस आएगा। जो एक सर्विसमैन को आज हिंदुस्तान के हर गांव में आदर मिलता है, वो अग्निवीर योजना वालों को नहीं मिलेगा। तुमने तो सिर्फ 4 साल सेवा की, तुम कौन हो? आप देखिए बिल्कुल क्लियर है, अगर हमारे युवा अग्निवीर के होने के तहत आए हैं, उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग मिल रही है, जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो पूरे प्रिपेयर्ड हो गए, बाहर जाएंगे। और ये जूता मारने की बात कर रहे हैं, कोई इनको जूता मार के निकालने की बात नहीं कर रहा, उनको पूरे के पूरा फाइनेंसेस दिए जाएंगे, उनके लिए 15 जगहें 16 जगहें बनाई गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज और PSUs वगैरह में उनकी वैकेंसीज बनाई गई हैं। और एक साधारण आदमी, चलिए मानते हैं हम कि एक बंदा जाता है उसको गार्ड ड्यूटी नहीं मिलेगी, अब वो पूरा का पूरा उसकी ट्रेनिंग होगी, वो मिनिमम सुपरवाइजर के पोस्ट पे जाएगा। तो ठीक कह रही है, हर एक बच्चा जो होता है एवरीडे वो ड्रीम करता है कि मैं फौजी हूँ, सिपाही हूँ, वो यूनिफॉर्म खरीदता है, एक टॉय गन खरीदता है और इमेजिनरी लड़ाइयाँ लड़ता है। क्यों? कि हर एक बच्चे को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उसको पता है कि ये सबसे बड़ा कार्य है। पर एक पॉलिटिशियन को अगर ऐसी बात कर रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं दूंगा, पर सुन के इतना दुख होता है कि कोई माँ का बेटा ऐसी बात भी बोल सकता है अपनी मातृभूमि के लिए। ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा मैं विनम्र होके बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा अपने पॉलिटिकल लीडर्स को कि काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम सच स्टेट। बिल्कुल, जो हमारे देश का गर्व है उनके लिए इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जा सकती।